सप्लाई चेन इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस इंडस्ट्री में सप्लाई चेन डोमेन में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको ये 10 टिप्स जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, एंड तक बने रहिएगा कि लास्ट में एक बोनस टिप भी है आपके लिए। लेट्स बिगिन डायरेक्टली इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, 63% ऑफ कंपनीज फेल इन देयर सप्लाई चेन बिकॉज दे डोंट हैव अ क्लियर विजिबिलिटी ऑन व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एट द एंड। अगर आपके पास एंड टू एंड गोल नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, आपने डिफाइन करके नहीं रखा अपने ऑब्जेक्टिव को, तो फिर आपके लिए सप्लाई चेन में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सप्लाई चेन में एंड को हमेशा सबसे पहले ध्यान में रखना होता है। ये पहली मेरी टिप है कि आप डिफाइन करिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को, सप्लाई चेन से आपका एक्सपेक्टेशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई चेन में प्लानिंग करिए, ताकि आपकी कंपनी और आपका करियर दोनों में आपकी मदद हो सके। टिप नंबर 2 है, प्रायोरिटाइज योर कम्युनिकेशन। अगर आप अपने कम्युनिकेशन में प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके सप्लाई चेन में जो आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास दिन में बहुत सारे काम बहुत बार एक साथ आ जाएंगे, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, कौन से टास्क को पहले पिक करना है, कौन से टास्क को बाद में। सेम इन दैट वे आपको यह भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कम्युनिकेट किससे पहले करना है और किससे बाद में। जो डिलीवरी आपकी प्रायोरिटी पे गई है उस डिलीवरी को आप ध्यान में रखिए, पहले प्लान करिए कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आप फेल करते हैं कम्युनिकेशन करने में प्रॉपरली, तो बहुत चांसेस हैं आपकी डिलीवरी फेल हो सकती है या फिर आपका कस्टमर आपको प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकता है। तो प्लीज ध्यान रखिए इस बात को कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन कितना अच्छा है या कितना खराब है। कई बार बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होने के बाद भी हम फेल कर जाते हैं सप्लाई चेन में, क्योंकि हमने प्रायोरिटी सेट नहीं करी होती है कम्युनिकेट करना किससे है और कब करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। टिप नंबर 3 बताता हूं आपको, एंड तक बने रहिएगा। अगर यहां तक देख लिया है वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और लास्ट में आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं जिससे कि आपको और ज्यादा हेल्प मिल पाएगी सप्लाई चेन में अपना करियर बनाने के लिए। टिप नंबर 3 है, यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी का आज के टाइम पे आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कंपटीशन आपको पीछे छोड़ जाएगा बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप जो काम मैनुअली अचीव नहीं कर पाएंगे वो टेक्नोलॉजी करके देगी, तो उसका बहुत भरपूर इस्तेमाल करिए, सीखिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज आजकल सप्लाई चेन में नई आ गई हैं, और आप जब जॉब के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं तो उन टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा अडॉप्ट करिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज में। टिप नंबर 4 है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर सप्लायर। जी हाँ, सप्लाई चेन में सप्लायर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपका जो सप्लायर है उसके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी डिलीवरी कैसी आएगी। अगर आपके सप्लायर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो बहुत बार चांसेस ये होंगे कि आपके कितने भी रिक्वेस्ट करने के बाद भी सप्लायर प्रायोरिटी आपको ना देके दूसरे क्लाइंट को देगा और आपकी डिलीवरीज डिले होंगी। आपकी डिलीवरीज डिले हुई एज अ सप्लाई चेन पर्सन तो फिर आपके कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि कस्टमर के पास आप प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाओगे। सप्लायर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखिए ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। टिप नंबर 5 बताऊं आपको, टिप नंबर 5 है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना के रखिए। रिस्क मैनेजमेंट प्लान के बारे में मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है, मेरे चैनल पर जाके आप वीडियोस देखिएगा। बेसिकली सप्लाई चेन में होता क्या है, कई बार ऐसे रिस्क होते हैं सप्लाई चेन में जो आपकी ओवरऑल प्लानिंग को फेल कर सके हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपने जिस ट्रांसपोर्टर को प्लान कर रखा था उसके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, आपने जो भी सप्लाई प्लान कर रखी थी उस सप्लाई को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका लेबर नहीं है, आपने जो भी ऑर्डर एडवांस में मंगा रखा था या फिर सप्लायर को ऑर्डर दे रखा था, सप्लायर के यहां कुछ प्रॉब्लम हो गई और आपका प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं हो पाया। इस तरह के बहुत सारे अनफोर्सीन चैलेंजेस होते हैं जिनके बारे में कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि ये चैलेंज आ सकता है, क्योंकि वो चैलेंजेस कभी होते ही नहीं है, वो पता तब चलता है जब पूरी की पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी होती है तब। तो इस टाइप के रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स बना के रखिए, अपने पास KPI बनाइए ताकि आपको पता हो कि आने वाले टाइम में क्या रिस्क आ सकता है, और अगर ऐसा कोई रिस्क आता है तो आपका बैकअप प्लान क्या है। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी वाले ने आपको मना कर दिया डिलीवरी ले जाने के लिए, उसके पास गाड़ी नहीं है, क्या आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन बैकअप में है? सप्लायर ने आपके एंड मोमेंट पे प्रोडक्ट देने से मना कर दिया, क्या आपके पास कोई बैकअप सप्लायर है? हो सकता है आपने जो भी लेबर प्लान की हो वेयर हाउस पे लोडिंग अनलोडिंग के लिए, लेबर अवेलेबल नहीं है, लेबर का जो मैनेजर था वो अवेलेबल नहीं है और लेबर काम नहीं कर रही है, क्या आपके पास कोई बैकअप है आपके वेयर हाउस पे काम कराने के लिए? अगर इन सारे सवालों का जवाब है हाँ, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आज से इस काम पे लग जाइए और अपने बॉस को, अपने कलीग्स को ये सजेशन दीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान पे काम करिए, क्योंकि एक दिन अचानक से ये फेल करेगा। जिस दिन ये रिस्क आएंगे ना एक्चुअल में, उस दिन आप अपनी सप्लाईज को बचा नहीं पाओगे, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं, और एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी का जो भी सेल्स का लॉस है वो सारा कुछ आपके जिम्मे होगा। ध्यान रखिएगा इस बात। टिप नंबर 6 बताता हूं, आगे बढ़ने से पहले
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए और आप बताइए हमें कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि किस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस डोमेन में ज्यादा अवेलेबल है। टिप नंबर 6 है ऑप्टिमाइज योर इन्वेंट्री। बहुत मजेदार टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ अलग अलग कंपनीज को, और सबसे बड़ा जो दर्द है, सर दर्द है, चाहे वो एम्प्लॉयज हों लोएस्ट सेगमेंट पे, चाहे वो आपके डायरेक्टर्स या फिर वीपी हों, सबका एक ही सरदर्द है कि बॉस रिटेल कर रहे हैं हम और हमारी इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो पा रही, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी है, पाइल अप हो रखी है, डिमांड के हिसाब से इन्वेंट्री नहीं ला पा रहे हैं, या फिर इन्वेंट्री अवेलेबल है और उसकी डिमांड नहीं है, तो ये सारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। आप अपने इन्वेंट्री को अगर ऑप्टिमाइज करना सीख गए ऐसा सप्लाई चेन प्रोफेशनल, तो आपकी कंपनी में अपने आप आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी, आपकी डिजिग्नेशन बढ़ेगी। अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उन पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से एक सीरीज बनाऊंगा। फिलहाल के लिए ये जरूरी है कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। रिसेंट स्टडीज बताती हैं कि अगर आप इन्वेंट्री को मैनेज कर ले गए अच्छे से, तो फिर 15% ऑफ होल्डिंग कॉस्ट आपकी बच जाती है, जो कि होती है वेयर हाउस पे इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट। और 15% अगर आप होल्डिंग कॉस्ट बचा लेते हो, ओवरऑल आपका प्रॉफिट होने वाला है इंक्रीज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा लेवरेज डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्यों? क्योंकि आज का जो टाइम है वो प्रोडक्ट सेंट्रिक ना होके कस्टमर सेंट्रिक हो चुका है। प्रोडक्ट से पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट होके कंपनीज कंज्यूमर पे फोकस कर रही हैं, कंज्यूमर को जो चाहिए वो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट बना करके फिर कस्टमर को बेचा जा रहा है। तो आपका जो डेटा है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का, आपका जो डेटा है आपके प्रोडक्ट्स की सेल का, आपका जो भी डेटा है आपके ओवरऑल शेल्फ लाइफ्स का, वो सारा कुछ एनालाइज करिए और उस डेटा के बेसिस पे फर्दर अपनी इन्वेंट्री प्लान करिए, सेल्स प्लान करिए, और नए प्रोडक्ट्स को जो भी प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करनी है उसको आप प्लान करिए। बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, सप्लाई चेन प्रोफेशनल हो तो आपको डेटा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको डेटा पढ़ना नहीं आता है तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। शुरुआत करिए एक्सेल से, एक्सेल पे डेटा को स्टडी करना सीखिए, क्लीनिंग करना सीखिए, सबसे पहले डेटा क्लीन करके डेटा पे आप पिवट लगाना सीखिए, पिवट लगा के चार्ट्स बनाना सीखिए, कंपैरिजन बनाना सीखिए। एक्सेल में आप एक बार उस्ताद हो गए तो गूगल शीट पे शिफ्ट करिए, फिर बड़े जो भी आर लैंग्वेज मॉडल होते हैं, जो भी आपके एनालिटिक्स टूल होते हैं, उन पे आप शिफ्ट करिए और धीरे धीरे सीखिए, और अपने जो स्किल्स हैं डेटा लर्न करने के, डेटा एनालाइज करने के, उन पे फोकस करिए, क्योंकि फ्यूचर में जो जॉब हैं वो जॉब्स बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाएंगी मैनुअल एक्टिविटीज से टेक्निकल जो भी स्किल्ड लेबर्स हैं उनके पास में। अगर आप अपने आप को इस सेगमेंट में बनाए रखना चाहते हो, डेटा एनालाइज करना सीखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ये मेरा बहुत ही फायदेमंद टिप था आपके लिए। अगले टिप पे बढ़ूंगा मैं। टिप नंबर 8 है मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, KPI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो। कि सप्लाई चेन में बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग टीम्स, अलग अलग कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो उस समय जरूरी ये होता है कि हर एक सेगमेंट, हर एक टीम, हर एक स्टेप पे आपके KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए, जिससे कि आप मेजर कर पाओ कि स्पेसिफिक कौन सा वो सेगमेंट या कौन सी वो टीम या कौन सा वो पार्टनर है जो आपके इस ओवरऑल सप्लाई चेन में डिले कर रहा है या फिर फॉल्ट कर रहा है। आप वो मेजर करना सीखिए, कौन से KPIs होते हैं वो जानना समझना सीखिए। अगला वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा, और KPI बना करके आप उसको रेगुलरली इम्प्रोवाइज करिए। एक छोटी सी बात बताऊं, एक्चुअली मैं अगर केवल और केवल पूरे सप्लाई चेन के इम्प्रूवमेंट्स में बात करूं, तो केवल KPI पे अगर आप फोकस कर लेते हो तो ओवरऑल 53% इन्वेंट्री आपकी एक्यूरेट हो जाती है, चाहे वो सप्लाई की बात हो, चाहे कस्टमर को डिलीवर करने की, या फिर बात हो आपके सप्लायर से आपके वेयरहाउस पर उतरने की। पॉइंट नंबर 9 पे हम पहुंच चुके हैं, ट्रेन योर एम्प्लॉयज। जी हाँ, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब आप अगर एज अ एम्प्लॉयर देख रहे हो तो ये टिप आपके लिए है। सप्लाई चेन में अगर आप अपनी कंपनी के सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप कितने भी सॉफ्टवेयर्स ले आओ बॉस, कितने भी प्रोसेसेस ले आओ, कुछ भी ले आओ, अगर आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली हुई है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 4 साल से मैं सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनीज को, जहाँ पे 500 से लेकर 5000 तक एम्प्लॉयज होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप कितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर ले आओ, कितना भी एडवांस एनालिटिक्स ले आओ, दुनिया भर की चीज़ें ले आओ, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले सप्लाई चेन के आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेन नहीं है, वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बॉस आपकी सारी प्लानिंग बेकार है, आपका सप्लाई चेन जहां का तहां रखा रह जाएगा। एक सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने में पता है 4 से 5 महीने, कभी कभी 6 महीने या 8 महीने लगते हैं। उन 6 से 8 महीनों में जितने भी एफर्ट्स लगते हैं हायर मैनेजमेंट के, हाई अथॉरिटीज के सारे फेल होते हैं जब ग्राउंड लेवल पे वो प्रोडक्ट जाता है यूज करने के लिए, और आपके जो एम्प्लॉयज हैं उसको सीधे यू रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सेंटर में उन एम्प्लॉयज को कभी रखा नहीं, आपने अपने एम्प्लॉयज को कभी ट्रेनिंग दी नहीं,
तो बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लीडर हो अपनी टीम के या फिर सप्लाई चेन में हायर पोजीशन पे बैठे हो, तो ये जो आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग है वो कंडक्ट कराना शुरू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चेंज लेके आ रहे हैं उसको सबसे पहले वो चेंज को उन टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करिए जो एक्चुअली में अफेक्ट होंगे उस चेंज से। कोई सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हो, सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दीजिए या फिर उनसे फीडबैक लीजिए जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे उनको यूज करने वाले हैं। अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे या किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को दे करके केवल बोर्ड मीटिंग्स में एजेंडा सेट करके मत डिसाइड करो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स हैं उनसे फीडबैक लो, कहाँ कहाँ हर्डल्स आते हैं उन हर्डल्स का एक समराइज डेटा बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ और फिर उसके हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर के पार्टनर को इंप्लीमेंट करने के लिए बोलो। ओके, लास्ट टिप है, यहाँ तक बात कर चुके हैं हम लोग। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा इनमें से आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी, कौन सा एडवाइस सबसे अच्छा लगा। लास्ट टिप है कंटिन्यूअसली इम्प्रूव एंड अडॉप्ट। अब देखो होता क्या है कि हम जब सप्लाई चेन में बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार सप्लाई चेन में कुछ इंप्लीमेंट कर दो और वो हमेशा के लिए चलता रहे। नहीं, सप्लाई चेन में हर दिन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए रिवोल्यूशंस आ रहे हैं, नए मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। आपको हर टाइम नजर रखनी पड़ेगी मार्केट में कि आपका कॉम्पिटिटर कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेके आ गया या कौन से नए कॉन्सेप्ट्स लेके आ गया, और उसी हिसाब से आपको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्रूव नहीं करते हो तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो कॉम्पिटिटर है सेम सेगमेंट में वो नई टेक्नोलॉजीज नए मेथड्स को अडॉप्ट करके बेटर इन्वेंट्री, बेटर साइकिलिंग, बेटर कस्टमर सर्विसिंग दे पाएगा, और आपके पास कितने भी प्राइस का अगर एडवांटेज है, कितना भी प्रोडक्ट का एडवांटेज हो, एक टाइम आने के बाद में आप ऑब्सोलीट कर दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सप्लाई चेन के प्रोसेस को इम्प्रोवाइज नहीं किया। राइट, सो ये थे हमारे इस वीडियो के 10 टिप्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि एक बोनस टिप और दूंगा मैं आपको, तो वो ये रहा। सो बोनस टिप ये है कि सस्टेनेबल सप्लाई चेन को अडॉप्ट करिए। ये रिलेवेंटली बहुत ज्यादा नया है और जितने ट्रेडिशनली सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स हैं उनको ये सस्टेनेबल सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट बहुत महंगा लगता है। बट मैं आपको बात बताऊं, आज के टाइम पे 65% ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया ओनली प्रेफर्स द प्रोडक्ट्स दैट अडॉप्ट द सस्टेनेबल सप्लाई चेन। जी हाँ, इंडिया का बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और ऑलमोस्ट 65% कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करता है उन प्रोडक्ट्स को जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो अगर आप सस्टेनेबल सप्लाई चेन को किसी तरीके से इन्वॉल्व कर पाए अपने प्रोडक्ट में, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, आपकी डिमांड बढ़ती है और स्टैंड आउट करते हो आप मार्केट में बाकी कॉम्पिटिशन से। राइट, और कंज्यूमर का जो सेंटिमेंट है वो एनवायरमेंट को लेकर के आजकल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपको एक एज मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है। ये मेरे 10 टिप्स और एक बोनस था इस वीडियो के लिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको पसंद आया हो तो बताइएगा, और आपका कोई फीडबैक है कि हम क्या और सिखा सकते हैं हमारे वीडियोस में जरूर बताइएगा। कंक्लूड करता हूं, ये 10 टिप्स आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए, सीखिए, एज अ बिगिनर सप्लाई चेन में कहां कहां आप इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सीखिए। और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, जरूर चेकआउट करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।